पहले भी जॉन विक चैप्टर 4 देखकर आया हूँ। मूवी के अंदर डॉनी येन का कैरेक्टर जिसका नाम है केन, अब ये कैरेक्टर वही फील देता है जब हम मैट मर्डॉक को फाइट करते हुए देखते हैं। मैट मर्डॉक यानी हमारा डेयर डेविल। अब जिन लोगों ने डेयर डेविल की सीरीज देखी है उन्हें डेयर डेविल की सिचुएशन काफी हद तक पता है। ऊपर से अंधा होने के बाद में भी एक हद तक फाइट कर सकता है और वैसी सिमिलर सिचुएशन केन के साथ में भी देखने को मिली है। बट मैट मर्डॉक के केस में उसके पास में एक सुपरनेचुरल पावर है जिसमें वो सब कुछ नहीं देखकर भी देख पाता है। बट केन के कैरेक्टर अपने स्किल्स के दम पर फाइट करता है, उसकी हियरिंग पावर भी एक हद तक मैट मर्डॉक जैसी है। ये कैरेक्टर भी मैट मर्डॉक की तरह सूट बूट पहन के घूमता है और इतना ही नहीं इन दोनों के सूट भी काफी हद तक सिमिलर है। मुझे तो लगता है मैट मर्डॉक के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर इस कैरेक्टर को बनाया गया है, रखा गया है। मतलब इसी बात पर तुम्हारा क्या थॉट है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना।